أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق سنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه السدس فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. ये आयत करीमा सूरह निसा की कई दिनों से तिलावत की जा रही है। सबसे पहले मैं दो रिवायतें इस आयत करीमा के ज़िम्न में जो हदीस के अंदर है वो बयान करके तर्जमा बयान करूँगा इंशाअल्लाह। सबसे पहली रिवायत तो ये है जो इस आयत करीमा के शान नुज़ूल के बारे में है, और वो रिवायत ये है कि हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा बड़े मकाम के साहबी, एक मरतबा ये बहुत बीमार हो गए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दोनों मिलकर के इनकी आयादत के लिए तशरीफ़ ले गए। तो हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बीमारी की वजह से उस वक्त बेहोश थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी मंगाया और पानी पर दम करके मुँह पर छींटा मारा, तो छींटा मारने के बाद हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु होश में आ गए। होश में आने के बाद उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपनी जायदाद को किस तरीके से तकसीम करूं, यानी किसको कितना हिस्सा मिलेगा। तो उस वक्त ये आयत करीमा नाज़िल हुई, माँ का, बाप का, बहनों का, भाइयों का कितना हिस्सा है इस आयत करीमा में उसकी तफसील बयान की गई। और दूसरी रिवायत इस आयत करीमा के ज़िम्न में ये बयान की गई है, हज़रत साद बिन रबी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इनका इंतकाल हुआ, इनके इंतकाल के बाद इनके भाई यानी बच्चियों का चाचा शौहर का देवर आया और पूरा माल, जो जाहिलियत के ज़माने में जो दस्तूर था, अपने दस्तूर के मुताबिक पूरा माल लेकर के चले गए साद बिन रबी के भाई लोग। तो हज़रत साद बिन रबी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बीवी ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आकर के ये शिकायत की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी पूरी जायदाद, पूरा रुपया पैसा, मेरा देवर यानी बच्चियों के जो चाचा थे वो लेकर के चले गए, और जाहिर बात है बगैर पैसों के बच्चियों की शादी हो नहीं सकती, मैं बच्चियों की शादी किस तरह करूंगी या रसूल अल्लाह, मेरे पास तो जो ज़मीन जायदाद पैसा था, रुपया पैसा, सब मेरा देवर लेकर के चला गया। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अच्छा ठीक है, अल्लाह की तरफ से कोई हुक्म नाजिल होगा। चुनांचे ये आयत करीमा नाजिल हुई, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बुलाया, यानी साद बिन रबी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के भाई को, और बुला करके कहा देखो आधा माल ला करके दोनों बहनों के दरमियान आधे माल में से दोनों बहनों को दे दो, और यानी साद बिन रबी की बेवा को भी दे दो, और इतना माल बचे वो तुम रख लो। चुनांचे इस आयत करीमा के मुताबिक साद बिन रबी की दोनों बेटियों को आधे माल में से आधा आधा दिया गया, और उसकी बीवी को भी दिया गया, और बाकी माल बचा तो साद बिन रबी के भाइयों को दिया गया। अब मैं तर्जमा बयान करता हूँ। अल्लाह ताला फरमाते हैं, अल्लाह ताला तुमको हुक्म देता है तुम्हारी औलाद के बारे में लड़के का हिस्सा दो लड़कियों के हिस्से के बराबर। ये देखिए अल्लाह ताला ने ज़ाब्ता बयान कर दिया, अगर दो बेटियाँ हैं और एक बेटा है, दो बेटियाँ हैं और एक बेटा है, तो तीन हिस्से, चार हिस्से लगाए जाएंगे, चार हिस्सों में से दो हिस्से तो बेटों को दिया, बेटे को दिया जाएगा, यानी एक बेटे को, और बाकी हिस्से में एक एक हिस्सा दोनों बेटियों को दिया जाएगा। अब मैं यहाँ एक बात बता दूँ कि उलमा ने इसकी वजह लिखी है कि बेटियों को एक हिस्सा क्यों, बेटों को दो हिस्से क्यों, बेटियों को एक हिस्सा क्यों और बेटों को दो हिस्से क्यों। इसकी वजह ये उलमा ने लिखी है कि बच्ची की जब शादी हो जाती है तो बच्ची की शादी होने के बाद उसका तय महर उसके शौहर के जिम्मे होता। ये मैं बात पहले अर्ज कर चुका हूँ कि ये जो आजकल के नौजवान लोग हैं, बाप के मरे हुए, मरने के बाद उनकी जायदाद में से बहनों को हिस्सा नहीं देते, और ये कहते हैं तुम्हारी शादी में हमने तो बहुत खर्च कर दिया, अब तुम्हारा इसमें हिस्सा नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। मैंने पहले भी जिक्र किया कि बच्चियों की शादी में
ज्यादा पैसा देना, फर्नीचर देना, ये रकम देना, जो मुंह मांगी रकम देते, ये तो बाप के जिम्मे है ही नहीं। उसने अपनी नाक ऊंची करने के लिए दी, उसकी जिम्मेदारी है। तो इसकी हिकमत ये लिखी, एक हिस्सा बच्चियों को क्या क्यों है, इसकी हिकमत ये लिखी है कि जब बच्ची की शादी हो जाती है तो बच्ची का दैन महर किसके जिम्मे होता है, शौहर के जिम्मे। उसके खाने की जिम्मेदारी, इंतजाम की जिम्मेदारी किसकी होती है, शौहर की। कपड़ों की जिम्मेदारी किसकी रहती, शौहर की। घर मकान रहन सहन का इंतजाम करना किसकी जिम्मेदारी रहती, शौहर की। और अगर बच्चे पैदा हुए, बच्चों की किफारत की जिम्मेदारी किसकी रहती, शौहर की। सारी जिम्मेदारियां शौहर की होती है, औरत की कोई जिम्मेदारी नहीं होती। इस वजह से, इस हिकमत की वजह से अल्लाह ताला ने औरत को एक हिस्सा दिया। और बच्चों को दो हिस्से क्यों दिए, इसलिए दो हिस्से दिए कि मर्द को बीवी का दैन महर भी देना रहता, बीवी की किफारत उसकी जिम्मेदारी, बच्चों की जिम्मेदारी, खाना पीना, और रिश्तेदार अजीज अकारी माँ बाप भाई बहनों की किफारत की जिम्मेदारी मर्दों की रहती है। तो ये दो हिकमत उलमा ने लिखी है। मर्दों को डबल क्यों है कि उसकी जिम्मेदारियां ज्यादा रहती हैं, बीवी बच्चों की, माँ बाप की, अजीज अकारी रिश्तेदारों की किफारत की जिम्मेदारी। और औरत को एक हिस्सा क्यों दिया गया, उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं रहती है। तो ये हिकमत है। तो अल्लाह तआला क्या फरमा रहे हैं कि लड़कों का, लड़कों के दो हिस्से और लड़कियों का एक हिस्सा। आप देखिए माँ बाप वगैरह के बारे में और बहनों का हिस्सा कितना, उसके बारे में बता रहा अल्लाह। लड़के का हिस्सा दो लड़कियों के हिस्से के बराबर, और अगर सिर्फ लड़कियां ही हो, अगर दो से ज्यादा हो तो उन लड़कियों को दो तिहाई मिलेगा। अगर दो लड़कियां हैं तो दो तिहाई मिलेगा। उस मार का जो कि मौरिस छोड़ मरा है, जितना मार छोड़ करके मरा है उसके दो तिहाई में से दो लड़कियां हैं तो उसको मिलेगा। और उसके बाद, और अगर एक ही लड़की हो तो उसको निस्फ मिलेगा। पूरी जायदाद में से एक लड़की है तो पूरी जायदाद में का आधा हिस्सा, और अगर दो लड़कियां हैं, एक से ज्यादा है, तो उसको तिहाई मार में से हिस्सा मिलेगा। और माँ बाप के लिए, यानी दोनों में से हर एक के लिए मैयत के तरके में से छठा छठा हिस्सा मिलेगा। ये कब, जबकि औलाद हो, ये बता रहे माँ बाप का कितना हिस्सा है, छठा हिस्सा मिलेगा। अगर मैयत के कुछ औलाद हो, औलाद अगर है तो माँ बाप को छठा हिस्सा मिलेगा, और औलाद नहीं है तो उसका बता रहे आगे। और अगर उस मैयत के कुछ औलाद ना हो और उसके माँ बाप ही उसके वारिस हो तो उसकी माँ का एक चाही है। देखिए औलाद नहीं है तो उसकी माँ का एक चाही है। अगर मैयत के एक से ज्यादा भाई या बहन हो तो उसकी माँ को छठा हिस्सा मिलेगा। एक से ज्यादा भाई बहन अगर है, छठा हिस्सा मिलेगा। औलाद नहीं है तो तिहाई हिस्सा मिलेगा। उसके वारिस हो तो उसकी माँ का एक तिहाई है। अगर मैयत के एक से ज्यादा भाई या बहन हो तो उसकी माँ को छठा हिस्सा मिलेगा और बाकी बाप को मिलेगा। वसीयत निकाल लेने के बाद कि मैयत उसकी वसीयत कर जावे या दैन के बाद, यानी कर्जे के बाद। मैंने आपके सामने आयत करीमा का खुलासा बयान कर दिया था, उसी का खुलासा यहाँ आयत करीमा के अंदर भी बयान हो रहा कि अगर वसीयत कर जाए मरने वाला तो उसकी वसीयत तीसरे नंबर पर मैंने बयान की थी। पहला तो कफन दफन, दूसरा अदाए कर्ज, तीसरा वसीयत। तो अल्लाह तआला भी वही बयान कर, मैंने खुलासा ही बयान कर दिया था कि वसीयत अगर करके गया तो उसकी वसीयत के मुताबिक तिहाई माल में से जिसको वसीयत उसने की है उसको मिलेगा, और जो है बाकी बचे हुए माल में से जो है इसका क्या होगा, कर्जा अदा किया जाएगा। कर्जा फिर वसीयत, उसके बाद जो माल बचेगा वारिसों में तकसीम होगा। तुम्हारे उसूल शुरू जो तुम उसमें तुम पूरे तौर पर नहीं निकाल सकते हो, और जो कौन शख्स तुमको नफा पहुंचाने में ज्यादा नजदीक है, ये हुक्म मिन जानिबिल्लाह मुकर्रर किया गया, बिल यकीन अल्लाह ताला बड़े इल्म और हिकमत वाले हैं। आखिर आयत में अल्लाह फरमा रहे हैं ये जो हिस्सा बयान किया गया ये अल्लाह की तरफ से बयान किया गया, किसी इंसान की तरफ से नहीं। अगर किसी इंसान की तरफ से ये हिस्से बयान किए जाते, हर आदमी अपनी अपनी मर्जी मुताबिक हिस्सा मुकर्रर करता। कल मैंने अर्ज किया था कि जो औलाद ज्यादा खिदमत करती उसको ज्यादा दे देते, और जो औलाद तकलीफ पहुंचाती उसको कम दे देते। ये सब कुछ भी नहीं, अल्लाह ताला ने सबका हिस्सा मुकर्रर कर दिया, लड़कियों का, लड़कों का, बाप का, माँ का, भाई का, बहनों का, सबका हिस्सा मुकर्रर कर दिया। ये हिस्सा
शरी तौर पर मुकर्रर है, किसी इंसान का मुकर्रर करदा नहीं। अल्लाह ताला ने मुकर्रर किया इसके मुताबिक सब वारिसों को हिस्सा मिलेगा। किसी के अंदर कमी बेशी करना, तगैयुर और तबद्दुल करना, किसी को कम दे देना, किसी को ज्यादा देना, ये शरीयत के मुताबिक जायज नहीं। अल्लाह ताला ने सब के हिस्सों को मुकर्रर कर दिया, मुतय्यन कर दिया, उसके मुताबिक ही हिस्सा देना। उसके अंदर अगर कोई कमी बेशी करेगा तो खुदा के यहाँ वो माखूज होगा, पकड़ा जाएगा और उसको जो है पकड़ करके उसकी सजा दी जाएगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमानों को सुनने ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सुभान अल्लाह व बिहमदिही, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिक।